जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं आयुषी गौड़ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। कुछ समय पहले आप देख रहे थे राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में आयोजित हो रहे श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में आज भगवान की गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। तो आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं महोत्सव स्थल और सम्मिलित होते हैं इस भव्य आने वाला नहीं धर्म को आत्मसात करना होगा, तभी इस बड़ी बड़ी पूजाओं में बैठने का फल हमें मिलेगा। हमें आज माता मरु देवी से बहुत बड़ी सीख लेनी है कि जिस प्रकार माता मरु देवी ने जन्म जन्मांतरों में न जाने कौन सा पुण्य किया था, तो आज प्रभु को गर्भ में धारण करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री हरि धृति कीर्ति लक्ष्मी बुद्धि शांति और पुष्टि ऐसी अष्ट कुमारिकाओं के द्वारा अहर्निश जहां जात कर्म चल रहा हो उनकी सेवाएं चल रही हो, मंगल दीप लेकर के उनके सामने खड़ी हो, मंगल दर्पण लेकर के जहां खड़ी हो, ऐसी क्या हमारी भी जिंदगी में कभी हो सकता है? हो तो सकता है, होगा जब सबसे पहले आप अपने परिवार को संस्कारित करें, उसके बाद दूसरों के घर को झांक कर देखें। दूसरों की बुराई करने से आपका घर कभी सुधर नहीं सकता। जो दूसरों की तो बुराई करता है और अपने घर को नहीं देखता, उस घर का कभी भी अच्छाई की ओर वह घर जा नहीं सकता। घर छोटा हो लेकिन संस्कारित हो, ऐसा घर तो बनाओ, इतना घर तो शुद्ध रखो कि आने जाने वाले त्यागी प्रतियों को आप कम से कम जल तो पिला सको। क्यों अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है आपको? क्योंकि आपके अंदर तो मैं क्या कहूं, जहां जिस जैन कुल में पा करके आप एक छना जल का नियम नहीं ले सकते, इससे बड़ी बात और क्या हो? रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते। हम लोगों ने कभी जीवन में रात्रि भोजन नहीं किया, हमने कभी जीवन में नहीं जाना कि रात्रि भोजन क्या चीज होती है। और जिंदगी भर हमारे घर में चित्यालय था, आज विशाल मंदिर घर के अंदर बना हुआ है। बिना दर्शन किए, बिना तिलक लगाए एक चाय की घूंट भी नहीं मिलती थी। तमाचे पड़ते थे कि मंदिर जाके आओ तब कहीं तुम्हें जल मिलेगा और चाय मिलेगी। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार का दे सकते हो? नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो कुवत ही नहीं है। पहले अपनी भावनाओं को शुद्ध करो, सरल बनाओ, विनम्र बनाओ और स्वयं नम्र बनो, तब कहीं जाकर के इस पंच कल्याणक में सम्मिलित होने का सौभाग्य आपने पाया है। अन्यथा तो आए हैं और चले जाएंगे, 5 दिन निकल जाएंगे, भगवान मोक्ष को चले जाएंगे, पाषाण से परमात्मा बन जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों में से अगर एक बुराई भी हमने कम नहीं की, तो आपका इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सभा मंडप में आना भी सार्थक नहीं होगा। इसी भावना के साथ मैं अंत में यही कहूंगी कि कितनी सुंदर बात है, संस्कारवान व्यक्ति कैसा होता है कि विभीषण रावण के राज में रहता था। कौन? विभीषण रावण के राज में रहता था लेकिन बिगड़ा नहीं, और केकई राम के राज में रहती थी लेकिन सुधरी नहीं। ये सिर्फ सोच का, अपने अंदर सोच को अच्छी बना करके रखो। 2 लाइन और, सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। क्या बोला मैंने? सीता जीवित थी, ये राम की ताकत थी, पर सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। रावण कितना भी, कितना बड़ा नीतिज्ञ था, रावण जैसी भक्ति कोई जीवन में कर नहीं सकता। महाभाग्यशाली सोने की लंका में रहने वाला रावण
एक मर्यादा को लेकर के चला, सीता को हाथ न लगा पाया। एक संकल्प शक्ति आपके जीवन को बदल देगी, सिर्फ एक शक्ति। संकल्प में वो ताकत है, संकल्पवान व्यक्ति कभी गिर नहीं सकता। जिन्होंने प्रभु के सामने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करूंगी, ऐसा अगर आप संकल्प ले लेते हो, वो संकल्प आपके जीवन में दुगुना पुण्य भर देगा। मैं आपको सुमन दीदी की क्या बात बताऊं, ऐसी विनयवान दीदी जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल तो जरूर गई अपने शरीर के लिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमेशा वस्त्र बदल करके भोजन किया करती थी। बंधुओं, धर्मात्माओं की निंदा करने के लिए तो बड़े बड़े चौपाटियों पर बैठ करके आप लोग चर्चा का विषय तो करते हो, एक छोटा सा धर्म करके तो देखो। एक छोटी सी बीमारी अगर आपके घर में आ जाए और आपसे कह दे आपको ये चीज लेना है, तो आप लेने को तत्काल तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा करनी है। ऐसे जीवन की रक्षा हमें नहीं करनी जिससे मेरे द्वारा किसी दूसरे को कष्ट हो, ऐसा काम हमें अपने जीवन में नहीं करना। तो मैं माताओं से और पिताजियों से कहना चाहती हूँ, भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अपने बाल बच्चों को आज भी समय है, संभाल लो, क्योंकि पंचम काल और आगे बढ़ता जा रहा है। दुखमा काल आने वाला है, एक दूसरे को मार काट के खाने वाला समय आ रहा है। अगर आप अपने को संभाल लोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे। बड़े बड़े 75-80 साल के लोग भी आज बड़ी बड़ी जगह घूमने जाते हैं, धर्म का उन्हें कोई संबंध नहीं है, स्वयं भी जाते हैं और दूसरों के धर्म को भी नष्ट करते हैं। एक समय होता है घूमने का, हर चीज की एक मर्यादा हुआ करती है। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगी, कांचे में नीको लगे, हाँ जी, कांचे में नीको लगे, गदराए बहुत मीठा है, फल का नाम बताइए, पाके कड़ू बहु आए। क्या आप बता सकते हैं? कांचे में नीको लगे, गदराए बहुत मीठा है, फल का नाम बताइए, पाके बहु कड़वाए। नहीं बता सकते, कोई बता सकते हैं? कांचे में नीको लगे, मनुष्य जन्म बचपन बहुत अच्छा लगता है, बच्चों में किसी भी प्रकार से कोई प्रकार के अंदर में गलत भावना नहीं होती, और यौवन अवस्था में भोगों में आप आसक्त हो जाते हो, और बुढ़ापे में सब संसार में हर भोग पदार्थ कड़वे लगते। ये तीन प्रकार के जन्म हमें मिलते हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। ना आपको जन्म से मतलब, ना यौवन अवस्था से मतलब, और ना बुढ़ापे से मतलब। बुढ़ापा आएगा तब देख लेंगे बंधुओं, बुढ़ापा तो आने ही वाला है, चिंता मत करो, बुढ़ापा आ चुका है। बुढ़ापा आने में कोई दूर नहीं है, अभी तो ही 15-20 साल, 10-10 साल के बच्चों के पैरों में, घुटनों में, कमर में, सिर में सभी प्रकार के दर्द उत्पन्न हो गए, कोई नीचे ही नहीं बैठ पाता, पैर की हड्डियां, कटोरियां सरक गई, ग्रीस खत्म हो गया, जमीन में नहीं बैठ सकते। हर मंदिरों में कम से कम 5-5 ट्रक तो कुर्सियां और मुड्ढों की लग चुकी है। तो क्या कारण है? हमने पिछली जिंदगी में कभी किसी की सेवा ही नहीं की, किसी को औषधि दान ही नहीं दिया, कुछ करें तो हमें कुछ मिले। कम से कम अपने जीवन में चार प्रकार के जो दान में औषधि दान होता है, अवश्य कुछ न कुछ, जहां सैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञ मुनि जहां वैयावृत्ति के लिए बीमार हो जाते हैं, उनके सहारा बनिए, उनकी वैयावृत्ति कीजिए, अपने द्रव्य से औषधि दान दीजिए, तभी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पिछले जन्म में श्री कृष्ण ने कितना दान दिया था, कितनी वैयावृत्ति की थी, उनका शरीर कितना बलिष्ठ हुआ, उन्होंने हजारों मुनियों की सेवा की, तब कहीं जाकर के श्री कृष्ण बने थे।
बाहुबली मुनिराज को देखिए, एक वर्ष तक यहाँ तो 10 मिनट हम खड़े नहीं हो सकते। एक वर्ष तक जो अपने एक स्थान पर क्यों खड़े रहे, क्योंकि पिछली जिंदगी में उन्होंने भी चारण रिद्धिधारी जैसे मुनि राजों को देख करके पड़गाहन करते थे और अनेक मुनियों को जो बीमार हैं, सेक्ष हैं, ग्लान हैं, उनकी सेवा को अपने हाथों से करते थे, नौकरों से नहीं करवाते थे। ये ध्यान रखना, जो अपने हाथों से वैयावृत्ति करता है, अपने हाथों से दान करता है, उसका दान ही सर्वोपरि माना जाता है। वही श्रीमती के जीव ने जब दान दिया था तो दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई थी, और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने में भगवान वृषभ देव, जिनका नाम हम अपने होठों से लेते हैं तो हमारे ओठ भी खुशी से नाच उठते हैं, ऐसे प्रभु के दर्शन को हमें अपने जीवन में हमेशा जहाँ कहीं मिले मंदिर जिनालय के कभी भी दर्शन मत छोड़ना। जो अपने जीवन में जिनालय के दर्शन बराबर करता रहता है उसके लिए सिद्धालय कहीं दूर नहीं। हमें जल्दी से जल्दी सिद्धालय के दर्शन भी होंगे। मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि इस धर्म सभा में और इस पंडाल के अंदर कोई भी अपने मुख में जल ग्रहण मत करना, क्योंकि मैं ऊपर धर्म सभा के लिए बैठी हूँ। बहनें इतनी समझदार होने के बाद भी इस धर्म सभा में जल को पी रही हैं रात्रि में, ये आपके लिए जीवन में अच्छा नहीं होगा। धर्म सभा की गरिमा बना के रखे। बैंक एनक्लेव वालों से नहीं, सभी लोगों से कहना है, जहाँ भी मुनियों का और त्यागियों का, विद्वानों का धर्म सभा जहाँ होगी, वहाँ कभी भी मुख में पानी और कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग, तेरी मेरी निंदा ये सब छोड़ देना। कभी भी आप अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म नहीं करोगे तो कभी अच्छे फल को भी प्राप्त नहीं होगे। अच्छा चाहते हो, अच्छे कर्म करो। और धर्म सभा में कल से अगर कोई भी महिला पुरुष इस धर्म सभा के अंदर पानी पीता पाएगा, अच्छी बात नहीं होगी। वो तुरंत हम बाहर नाम लेके पुकार के बोल सकते हैं, मैंने आज आपको छोड़ दिया, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब धर्म सभा हो, बड़े प्यार और स्नेह से धर्म श्रवण करें, इसी भावना के साथ जय बोलिए गर्भ कल्याणक महोत्सव की, पंच कल्याणक महोत्सव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, 3.9 करोड़ मुनिराजों की। चलिए, बहुत सुंदर शब्दों में परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी जी, दीदी जब आप बोल रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था सभी बिल्कुल मंत्र मुक्त होकर के आपको सुन रहे हैं, और आपका एक एक शब्द मानो जैसे बिल्कुल अंदर प्रवेश कर रहा था। एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करें, या अच्छे कार्य में की गई अनुमोदना शातिशय पुण्य को देती है। और यकीन मानना, दीदी ने अपने प्रवचन के माध्यम से सिर्फ संस्कारों की बात ही नहीं, वर्तमान की स्थिति में जो चल रहा है, अगर मैं कहूं उस पीड़ा को आपके सामने प्रस्तुत किया तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से श्रद्धेय दीदी जी ने हम सभी के लिए संबोधित किया। अब चलते हैं माँ जिनवाणी का, माँ जिनवाणी वंदना करेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे, उसके तुरंत बाद परम आदरणीय ख्यात नाम प्रतिष्ठाचार्य सुधीर जी मार्तंड जी साहब बहुत सुंदर उस दृश्य से हमें जोड़ेंगे। एक बहुत दृश्य, यकीन मानना मेरी बात पर, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का कोई भी कार्य, चाहे वो आंतरिक मांतरिक क्रियाएं हो रही हो या मंची प्रस्तुति हो रही हो, इस पंच कल्याण की कोई भी क्रिया, कोई भी विधि मनोरंजन की पात्र नहीं है। प्रत्येक क्रिया सातिशय पुण्य की क्रिया होती है। आप अभी अष्ट कुमारिकाओं के माध्यम से, 56 कुमारिकाओं के माध्यम से, इंद्र इंद्राणियों के माध्यम से जो भी क्रिया यहाँ पर देखेंगे, यकीन मानना ये सारी क्रिया सातिशय पुण्य की क्रिया है। तो चलेंगे इस क्रिया को भी हम देखेंगे, तब तक चलते हैं माँ जिनवाणी की वंदना। जिनवाणी स्तुति करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दीत गोंधो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार रडमोकार।
चलते हैं, सभी लोग बैठ जाएं, सभी बैठ जाइए। आइएगा अब उस क्रिया से, उस कड़ी से हम सभी जुड़ने का प्रयास करते हैं। आज गर्भ कल्याण का उत्तर रूप जो 16 सुंदर सुंदर स्वप्न कल मां मरु देवी ने देखे थे, उन 16 सुंदर स्वप्नों का आज फलादेश होगा। राज्य की क्या व्यवस्था है, मैं परम आदरणीय पंडित जी साहब से निवेदन करता हूं कि आगे की क्रिया आपके निर्देशन में संपन्न हो। परम आदरणीय पंडित साहब, हेलो, दिल्ली नगरे पंच कल्याणक महोत्सव गुप्ति सागर संघ सानिधि धर्म भाव उद्योतक प्रतिष्ठाचार्य मार्तंडो वर्धमान जिन शासने प्रतिष्ठा विधि प्रारंभे भक्ति पूर्वक करो मह गर्भ कल्याण की पूर्व विधि में देखा उस महान पुण्यशाली अयोध्या नगर की रचना अमरावती से बढ़कर की गई। महाराज नाभिराय जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी को बहुमान पूर्वक सर्वतो भद्र राज प्रासाद में ठहराया। गर्भ में आने से 6 माह पूर्व धनपति कुबेर ने एक बार में 3.5 करोड़ प्रमाण, दिन में 4 बार राज प्रांगण में रत्न वृष्टि की, जिससे कोई दीन दुखी दरिद्री न रहे। मनुष्य बहुत तर्कशील होता है। अब यहां एक प्रश्न है, अभी ब्रह्मचारिणी बहन उन्होंने बहुत ही मार्मिक शब्द लेकर बहुत कुछ कह दिया। आज के इस युग में सबसे बड़ी समस्या है, जब हम लोग अमेरिका गए थे 45 दिन रहने के बाद उन्होंने कहा कैसा लगा, तो उन्होंने उत्तर दिया अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने पूछा क्यों, बड़ी विचित्रता है, जिस घर में गया वहां एक भी घर में बच्चा नहीं दिखा। मन में जिज्ञासा थी, एकदम पूछा नहीं जाता है किसी को, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा तो उस महानुभाव ने कहा कि हमारे यहाँ का नॉर्म्स है कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको
हम बाध्य करके नहीं रख सकते हैं। यहां से 5 किलोमीटर दूर रूम लेकर के वो रहता है, खुद अर्न करता है। जब उन्होंने ये बात कही, मैंने कहा हमारे भारत में आ जाओ। हम कहते हैं परिवार, स्वजन, ये वास्तव में भारतीय संस्कृति में है, विदेशों में बिल्कुल नहीं है। अभी पूज्य दीदी ने जो बात कही उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आज का युग क्या कह रहा है, बचपन में पाला आया ने क्या जान सकेंगे माता को, यौवन में आकर वही बालक माता को पाले माया से। आज जो संस्कृति चली है कि बच्चों को थोड़ा सा बड़ा होते ही पालना घर में भेज दिया जाता है, वो बच्चा उसी दिन प्रतिज्ञा करता है कि अभी मैं अबोध हूं, लेकिन याद रखना तुम्हारे लिए मैं एक दिन वृद्धाश्रम खुलवाऊंगा। और ये चलता है पाश्चात्य में, लेकिन भारतीय संस्कृति इसको कदापि स्वीकार नहीं करती है। हमारे जैन समाज में भी कई वृद्धाश्रम खोले गए, लेकिन समस्या यही रही कि हम लोग जैन हैं, तकलीफ सहन कर लेंगे, लेकिन इस कलयुग के बेटों का नाक नहीं कटने देंगे। आज भी वे खाली हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन कभी विचार करें, वो माता पिता जिन्होंने कितने संकट झेले, आज हम उनका गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन चार बेटे मिलकर भी एक मां को नहीं पाल सकते, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। आज गर्भ कल्याणक यही कहता है कि बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वही आगे जाकर वृद्धिगत होते हैं। वे आदि ब्रह्मा ऋषभदेव जिनका जीवन चरित्र यहां चल रहा है, युग के प्रारंभ में होने वाले प्रथम तीर्थंकर जिनकी आयु 84 लाख पूर्व थी, शरीर की अवगाहना ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण थी, पार्श्वनाथ भगवान तक आते आते शरीर की ऊंचाई 9 हाथ और आयु 100 वर्ष, वर्धमान महावीर तक आते आते हाइट और कम हुई 7 हाथ और आयु 72 वर्ष, और आगे और देखना हो तो 3-3 फीट की हाइट। छठा काल वो आएगा, आयु भी क्षीण हुई, शरीर की शक्ति भी क्षीण हुई, अवगाहना भी क्षीण हुई। आज विज्ञान ने ये प्रमाणित किया है कि जितने जीवाश्म मिले, एक जीवाश्म का वर्णन आया कि वहां पर लगभग 10 फीट हाइट का बॉडी कोई कभी दबी होगी, जिसका जीवाश्म निकला वो सिद्ध करता है कि पहले हमारी ऊंचाई भी इतनी होती थी। वे इंद्रादिदेव तत्व चर्चा में निमग्न होते हैं। दिक्कत निकाय तत्पर रहे।
हेलो। आदरणीय पंडित जी का इतना खूबसूरत आपका हमारा सबका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे बीच हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि पहुंचे हैं, उनका सम्मान भी हमारा कर्तव्य है। मैं हमारे SHO श्री रमेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, वो हमारे पास तक आए, और हमारे स्वागता अध्यक्ष भाई पोदार साहब, BL पोदार साहब तिलक द्वारा उनका सम्मान करेंगे। भाई पोदार साहब, हमारे इस विशाल कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने में जिनका सहयोग मिल रहा है, उनका बहुमान किया जा रहा है। स्वागत कर रहे हैं मंत्री और भाई प्रमोद जैन, जैन समाज की ओर से, और भाई जय कुमार जैन। हमारे अतिरिक्त SHO जो हमारे थाने की सुरक्षा, हमारे एरिया की सुरक्षा के जिम्मेदार वो भी हैं, उतने ही जितने रमेश कुमार जी, मैं उनको उनके स्वागत के लिए निवेदन करता हूं हमारे स्वागता अध्यक्ष श्री पोदार जी से, तिलक द्वारा उनका स्वागत करें। भाई पोदार जी, हमारे महामंत्री श्री संदीप जी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करेंगे, पूरे जैन समाज की ओर से उनका सम्मान। भाई प्रवीण जी चाय वाले पटका पहनाकर उनका सम्मान करते हैं, और हमारे विजय जैन चांदी वाले उनको हमारे समाज की ओर से शील्ड प्रदान कर रहे हैं, और भाई जय कुमार जैन उनको माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। ये दो 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 हमारे ये विशिष्ट अतिथि, ये दोनों मिलकर हमारे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और ये ऐसे लोग हैं जो निरंतर हम लोगों के बीच हम लोगों के बीच रहते हैं, और जैसे एक बीट के लोग घूमते हैं, इस तरह ये SHO साहब और एडिशनल SHO साहब हमारी कॉलोनी में और हमारे आसपास के एरिया में हर समय घूमते रहते हैं ताकि क्राइम कंट्रोल रहे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे भाई गजेंद्र जी को, पंजाब केसरी के क्राइम रिपोर्टर हैं, और हमारे इस क्षेत्र के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान रहता है, यहाँ कोई क्राइम ना हो, यहाँ क्राइम की कम से कम संख्या रहे, उसके लिए निरंतर इनका प्रयास रहता है। भाई गजेंद्र जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पोदार जी को, तिलक द्वारा उनका सम्मान करें। भाई पोदार जी, हमारे मंत्री संजीव जी माला द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं, वह सुरेंद्र जी एन जी पटका द्वारा उनका स्वागत किया, और हमारे जय कुमार जैन साहब उनको पूरे जैन समाज की इज्जत हमारी पगड़ी उनको पहना रहे हैं, और हमारे महामंत्री संदीप जी शील्ड प्रदान कर उनका सम्मान कर रहे हैं। भाई संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और अब हम चलते हैं वापस अपने कार्यक्रम। मुबारकबाद, आइए SHO साहब हमारे पूरे जैन समाज को एक बधाई संदेश देना चाहते हैं, पंडित जी आपसे आज्ञा लेके 2 मिनट की, कि हमने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इनकी निगरानी में चलता रहता है। 2 मिनट मंच पर उपस्थित तमाम श्रद्धेयगण, आज
जहां मैं खड़ा हूं, मुझे इतना अपार हर्ष हो रहा है कि मैं भगवान महावीर जी के जन्म स्थल से जुड़ा हुआ हूं और जहां से मेरी जन्मभूमि है और जिन सिद्धांतों को लेकर वर्ल्ड में हमने अपनी छाप छोड़ी है और वो सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में अक्षरशः उतार लें तो हमारा जीवन सुखमय होगा और ये जो समाज में विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, वो सारी की सारी अपने आप नष्टनाबूद हो जाएगी। और मैं ये अपने तहे दिल से सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अहिंसा जो परम धर्म है, उस सिद्धांत को मानते हुए अपना जीवन, हर एक का जीवन सुखमय हो जाएगा और जिंदगी में जो व्याधियां, जो असम्मतियां हैं, वो सारी की सारी अपने आप दूर हो जाएगा। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत सुंदर। विश्व मान्य है, आदि देव है, सब धर्मों के मूलाधार, जिनकी यश गाता श्रुति ज्ञाते, अति श्रद्धायुत विविध प्रकार, जिनके चरण कमल की सौरभ है कैलाश हिमालय में, युग युग से जिनकी प्रतिमाएं है उपलब्ध जिनालय में, सर्वप्रथम जिसने संस्कृति का बीजारोपण किया विशाल, कर्म मही पुरुषार्थ चेतना जागृत से जन हुआ निहाल, जिनके पुत्र भरत संज्ञान रे भारत देश हुआ विख्यात, जिनके सूत भुज बलि से जग हुआ नवीन सुपर्ण प्रभात, ऐसे विश्व मान्य युग के आरंभ में होने वाले वह आदि ब्रह्मा ऋषभ, वे इंद्रादि देव जो निरंतर तत्व चर्चा में निमग्न रहते हैं, सौधर्म स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र और सची इंद्राणी आज समस्त देव समूह तत्व चर्चा के लिए यहां उपस्थित हुआ है। देवराज इंद्र, देवराज इंद्र कहने लगे, हेलो, जिन जीवों ने पूर्व भवों में धीतराग प्रभु की प्रतिमा की शुद्ध भाव वह द्रव्य से पूजा की है, वे आगे चलकर तीर्थंकर बने हैं। तब इंद्राणी सची कहने लगी, जिनेंद्र पूजा से नारी पर्याय छेद कर नरभव की प्राप्ति होती है। इंद्राणी जानती है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे यह स्त्री पर्याय भेदा जा सकता है।
तब इंद्र कहने लगे, जो मूर्ति में तीर्थंकर की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा करते हैं, वे तीर्थंकर पद को पाकर संसार के सामने मोक्ष का मार्ग प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर सची इंद्राणी। वास्तव में इस संसार में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्टि के सिवाय इस जीव का कोई अन्य शरण नहीं है। कोई शरण और है ही नहीं, शरण लेनी है तो ये पंच परमेष्टि और उसमें भी अरहंत सिद्ध वे तो हमारे बीच में अभी नहीं है, केवल मात्र आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि जिनकी शरण हम ग्रहण कर सकते हैं। तब भक्ति करते हुए महायज्ञ नायक क्या ये माजरा है, ओ क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, आया नहीं समझ स्वामी हमारे वास्ते कुछ तो करो जतन, क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। हेलो पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश भी जिनेन्द्र पूजा भक्ति से होता है और वर्तमान की विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। शुद्ध जिनेन्द्र भक्ति संसार रूपी जाल को तोड़कर अनंत सुख का स्थान मुक्ति को प्राप्त कराती है। और यज्ञ नायक आने लगे। पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, 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 पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, अरे सबका मन हर्षाया रे भाई पंच कल्याणक आया, ओ सबका मन हर्षाया देखो पंच कल्याणक आया। महाराज यदि अरहंत की पूजा भक्ति का समागम ना मिले तो वीतराग रत्ना की पूजा भी वैसा ही फल देती है। जिन प्रतिमा जिनेन्द्र देव के आदर्श का प्रतीक है अतः प्रतिदिन शुभ भावों से प्रतिमा का भक्ति साक्षात जिनेन्द्र देव की मानी गई है। इंद्र महाराज मेरा छोटा सा प्रश्न है। क्या महाराज आप इतने लंबे क्यों और इंद्राणी भी लंबी क्यों? ये बहुत एक्सरसाइज करते थे हम लोग बचपन में जो है लटक लटक के। देखिए ये वैकरिक शरीर वाले हैं, जब चाहे अपना रूप बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तब धनपति कुबेर धनश्री आचिग्रता करेंगे। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना मनहारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। आहा, तीर्थंकर का जीव गर्भ में आते ही भारत देश की शोभा स्वर्ग से ऊपर हो गई है।
बहुत सुंदर। दशो दिशाएं मंगल स्वरूप हो गई हैं। आपको ज्ञात है आज का दिन मंगलमय है। बुलेटिन समाप्त। धन्य है वो माता जिसके अंदर में त्रिलोक त्रिलोकनाथ सम्यक रथ पे सुशोभित विराजमान है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम। इंद्रों की भाषा है, आपको समझ में नहीं आएगी। ईशान स्वर्ग के अधिपति ईशान इंद्र। मनवा हर्ष गुण गाए ले स्वामी मस्तक झुकाए के। प्रभु जी की प्रभु जी की प्रभु जी की बाट निहारेंगे पलका बिछाएंगे। अरे प्रभु जी की बाट निहारेंगे पलका बिछाएंगे। मनवा हर्ष गुण गाए ले मनवा हर्ष गुण गाए ले स्वामी मस्तक झुकाएंगे। प्रभु जी की प्रभु जी की प्रभु जी की बाट निहारेंगे अखियां बिछाएंगे। अरे प्रभु जी की बाट निहारेंगे पलका बिछाएंगे। और ईशान स्वर्ग के अधिपति ईशान इंद्र कहने लगे। देवराज हमारी है देव प्रिया पुण्य का देव प्रिया पुण्य का फल है, अतः इस प्रिया में हमें आगामी भव के लिए भी कुछ पुण्य कार्य करना चाहिए, जिससे हम भी तीर्थंकर के समान जगत का कल्याण करके संसार सागर से पार हो जाएं। स्वामी हम विमानवासी देवी और देवों का ये परम सौभाग्य है कि हमें तीर्थंकर देव के पंच कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। हे इंद्र महाराज, इंद्र महाराज हाँ ये उत्तर दें कि स्वर्ग लोक में ये शेरबानी बनाने वाला कहां से पहुंच गया। मैं हूं ना। महाराज एक बात बताइए, आप पतले क्यों और इंद्राणी मोटी क्यों? एक्सरसाइज करनी चाहिए। इंद्राणी नहीं करती। साना स्वर्ग के अधिपति एक के बाद एक इंद्र पहुंचते जाएं। हाँ जो भी क्रम से बैठे हैं आ जाएं। आपा स्वर्गपुरी में चाला आपा स्वर्गपुरी में चाला आपा स्वर्गपुरी में चाला आपा स्वर्गपुरी में चाला जो को अवसर आयो रे जो को अवसर आयो रे काटो कर्मारी अवेरी जो को अवसर आयो रे काटो कर्मारी अवेरी काटो कामारी अवेरी काटो पापारी अवेरी काटो कर्मारी अवेरी काटो पापारी अवेरी जो को अवसर आयो रे जो को अवसर आयो रे काटो कर्मारी अवेरी जो को अवसर आयो रे काटो कर्मारी अवेरी। आ चलिए यह सब तीर्थंकर होने वाली आत्मा के सातिशय पुण्य एवं पूर्व भवों में सम्यक दर्शन के साथ सोलह कारण भावनाओं का प्रभाव है, बिना सम्यक दर्शन के यह संभव नहीं है। तब इंद्राणी कहने लगी, सभी जीवों के कल्याण की भावना से ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी ही भव्य जीवों की भुक्ति का मार्ग बताते हैं। बहुत सुंदर। महेंद्र स्वर्ग के अधिपति महेंद्र इंद्र। इंद्र आलेला
इंद्राणिया लीला श्री आदिनाथ के चरणों में सब भक्त नाचेना श्री आदिनाथ के चरणों में सारे भक्त नाचेना आदिनाथ के चरणों में सारे भक्त नाचेना ओ इंद्रिया लीला इंद्राणिया लीला इंद्राणिया लीला श्री आदिनाथ के चरणों में सरे इंद्रना चेला सरे इंद्रना चेला देवांगनाएं तत्पर रहे मंडल की बहने इसलिए प्रशंसा की जाती है किंतु देवों में सर्फात सिद्धि अनुत्तर विमानवासी लोकांत्रिक देव क्या कम है जो सम्यक दृष्टि होते हैं और मनोजन्म लेकर मुक्ति पाते हैं। यह तो सत्य ही है कि पुण्य पाप से रहित वीतराग भाव ही जीव मात्र को शाश्वत सुख प्राप्त करा सकते हैं। और देवांगनाएं इस इंद्र दरबार में प्रस्तुत हो रही हैं। हाँ तैयारी करें, देखिए बीच में ऐसा ब्रेक नहीं होता है, तैयार रखें। हमारे बीच में बाहुबली एनक्लेव से अतिथि आए हैं, उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। और मुझे अभी जैसे ही सूचना दी तो स्मरण आया कि राष्ट्र संत आचार्य भगवंत विद्यानंद जी गुरुदेव उनके सानिध्य में वहाँ बाहुबली एनक्लेव में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ था। और वहां से हमारे समाज के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। हाँ जी, सिटी किंग जी आए हुए हैं हमारे बाहुबली एनक्लेव से। बाहुबली एनक्लेव जैन समाज से हमारे अतिथि, हमारे मित्र लोग, हमारा निकटवर्ती समाज है और इनका हम लोगों को हमेशा सहयोग मिलता है और इनके सहयोग से ही हम लोग सफल होते हैं। ऐसे पूरी कार्यकारिणी के सदस्य अपने प्रधान और मंत्री के साथ हमारे बीच विराजमान हैं, हम उनका सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं श्री अपने स्वागताध्यक्ष श्री पोदार जी को आमंत्रित करता हूँ कि बाहुबली जैन एनक्लेव बाहुबली जैन समाज के अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी का तिलक द्वारा सम्मान करें। हमारे भाई प्रवीण जैन चाय वाले उनका पटकर द्वारा स्वागत करेंगे। श्री राजेश जैन हमारी कमेटी के सदस्य एक साफा पहना के बैंक एनक्लेव जैन समाज की ओर से एक पगड़ी हमारी सम्मान का स्वरूप। और एक भगवान का प्रतीक चिन्ह इधर आगे भाई साहब विजय जी सबको दिखाएं, जो भगवान का प्रतीक चिन्ह है, भगवान की इसमें मूर्ति है, वो हम बैंक एनक्लेव जैन समाज की ओर से भाई अनिल जी को, बाहुबली एनक्लेव जैन समाज को हम लोग सम्मान पूर्वक भेंट करते हैं, कृपया स्वीकार करें। बाहुबली एनक्लेव के मंत्री भाई दीपक जी, वो देखिए कितने यंग हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हम सारे बूढ़े इकट्ठे हो गए हैं, हमारे बीच में भी कुछ यंग लड़के हैं, हमारे महामंत्री भी बहुत यंग हैं। और वहाँ के
बावली एनक्लेव के भी मंत्री बहुत यंग हैं, ऐसे यंग लोग आगे आए तभी समाज आगे बढ़ेगा और आगे चलता रहेगा। उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे पोदार साहब, तिलक द्वारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे युवा मंत्री भाई संजीव जी ने पटके द्वारा उनका सम्मान किया और भाई विजय जैन चांदी वाले उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। और भगवान का प्रतीक चिन्ह भगवान की मूर्ति उनको बैंक एनक्लेव जैन समाज की ओर से सप्रेम भेंट, कृपया स्वीकार करें। समिति के और सदस्य आ जाएं, आप भी आओ संदीप जी। देखो हमारे ये जो यंग महामंत्री हैं सबसे पीछे खड़े हैं, इन्हें तो काम करने में सबसे आगे होना चाहिए, सबसे आगे होते हैं लेकिन इस समय सबसे पीछे खड़े हैं। बाहुबली एनक्लेव के उनके कोषाध्यक्ष भाई उमेश जी का सम्मान कर रहे हैं, हमारे पोदार साहब स्वागताध्यक्ष तिलक अर्पण द्वारा उनका सम्मान कर रहे हैं। भाई विजय जैन जी ने पटके द्वारा उनका सम्मान किया और हमारे युवा महामंत्री भाई संदीप जी हमारी ओर से उनको पगड़ी पहना रहे हैं। भाई विपिन जी सदस्य कार्यकारिणी बाहुबली एनक्लेव उनका सम्मान कर रहे हैं। भाई पोदार जी भाई प्रमोद जी ने पटके द्वारा उनका सम्मान किया और भाई जय कुमार जैन साहब उनको हम लोगों की ओर से पगड़ी पहना रहे हैं सबकी ओर से। भाई पंकज जी सदस्य कार्यकारिणी उनका स्वागत है। भाई युवा पंकज को हमारे युवा महामंत्री पटके द्वारा सम्मानित कर रहे हैं और हमारे मंत्री पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं। सबका स्वागत है आप लोगों का। भाई विपिन जी आगे आए, भाई विपिन जी इनका सौभाग्य देखिए, राधेपुरी के पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र बने हैं और वो सौधर्म इंद्र आज हमारे सौधर्म इंद्र को देखने आए हैं कि हमारा कार्यक्रम कैसा चल रहा है। भाई साहब हमारा कार्यक्रम भी राधेपुरी से कम नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सम्मान कर रहे हैं हमारे पोदार साहब। भाई प्रवीण जी पटके द्वारा स्वागत किया और भाई जय कुमार जी ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। हेलो हेलो, का बैंक एनक्लेव जैन समाज पर आप लोगों की अनुकंपा रही, आप लोग यहाँ पधारे, बहुत धन्यवाद। हाँ जी प्रारंभ करें, चलिए बहने तत्पर हो जाएं। देखिए समय अभी तो अयोध्याधिपति महाराज विश्वसेन उनका राजभवन पूरा बाकी है, नाभिराज उनका राजभवन। हाँ चालू कराए वहां से।
दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में आयोजित हो रहे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 10 से 15 मार्च 2023 तक चलने वाले इस पंच कल्याणक महोत्सव में आज भगवान की गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं सम्पन्न की गयी। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी महोत्सव के तृतीय दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर बैंक एनक्लेव लक्ष्मी नगर दिल्ली।